तो दोस्तों बात यह है कि क्रिश 4 से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल गया है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। अब दोस्तों बात यह है कि कुछ टाइम पहले ये सुनने में आ रहा था कि क्रिश 4 के मेकर्स यानी कि ऋतिक रोशन और राकेश रोशन साहब हॉलीवुड के एक डायरेक्टर से अपनी मूवी डायरेक्ट कराने की सोच रहे थे। उस डायरेक्टर का नाम अभी ऐसा कुछ रिवील नहीं हुआ था। ऐसा सोच रहे थे कि हम किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर से क्रिश 4 को डायरेक्ट करवाएंगे, लेकिन ऐसा सोचा लेकिन ऐसा शायद हुआ नहीं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ। देखिए क्रिश की अभी जितनी भी फ्रेंचाइजी, मतलब इस फ्रेंचाइजी की जितनी भी मूवीज आई हैं वो सारी डायरेक्ट करी हैं राकेश रोशन साहब ने। क्योंकि अब इस फिल्म के लिए ऐसा क्यों अलग डायरेक्टर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है दोस्तों कि देखो राकेश रोशन साहब की उम्र भी हो गई है, अब उनसे ज्यादा काम होता नहीं है। फिलहाल वो कहानी पे भी काम कर रहे हैं, स्टोरी भी लिखी खुद लिख रहे हैं, ऋतिक रोशन से भी कुछ सलाह मशवरा लेते हैं, लेकिन लिख वो खुद ही रहे हैं। जो कि अगले साल के लास्ट में इस मूवी को रिलीज करने की बात चल रही है, बाकी आगे पीछे हो जाए तो वो बात अलग है। लेकिन वो ये मूवी डायरेक्ट नहीं करने की सोच रहे हैं, क्योंकि भाई वो कहानी भी लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर वो है और उम्र भी हो रही है उनकी। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि यार कोई डायरेक्टर किसी बाहर से हम किसी को ले लें, हॉलीवुड से शायद बात नहीं बनी, तो अब बॉलीवुड का ही एक डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला है, जो कि हाल फिलहाल चर्चा पठान मूवी के डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ आनंद साहब से इस मूवी को डायरेक्ट कराने की अटकलें चल रही हैं। अब बात करते हैं भाई सिद्धार्थ आनंद साहब के पास टाइम है या नहीं है। देखिए भाई साहब, इस टाइम पे फाइटर की शूटिंग में वो बिजी हैं, जिसमें ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और ये दीपिका पादुकोण मेन किरदार में नजर आने वाले हैं, जो कि अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी, यानी कि 26 जनवरी को। उसके बाद ये लगेंगे टाइगर वीएस पठान में। तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि इनके पास टाइम है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि अगर ये मान जाते हैं क्रिश 4 के लिए तो शायद ये टाइम निकाल लें, क्योंकि क्रिश 4 कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो नहीं है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस फ्रेंचाइजी की जितनी भी फिल्में आई हैं वो सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं, सारी चली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए ऐसा कोई बेवकूफ़ी वाला काम करेगा और मना कर देगा। मुझे लगता है कि भाई हर बड़ा डायरेक्टर इस मूवी से जुड़ना चाहता है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस मूवी से जुड़े। तो शायद सिद्धार्थ आनंद साहब, हो सकता है कि भाई मेरी राय तो यही है कि शायद वो हाँ कर दें। बाकी मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या आप चाहते हैं कि क्रिश 4 आप सिद्धार्थ आनंद से डायरेक्ट करवाएं, आपकी क्या राय है? क्योंकि भाई ऑडियंस के ही पोल से ही ये चीज़ होती है, अगर आप चाहेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। आप ट्रेंडिंग बना दो ट्विटर के ऊपर कि हमें सिद्धार्थ आनंद साहब से क्रिश 4 डायरेक्ट करवाते हमें देखनी है, तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंड 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग।